जो जीत के आता है एक बार भी ये एरिया में कभी दिखाई नहीं देता है। क्या काम कर रहा है साला? चोर है खुदे। वो क्या करेगा? वो क्या चोर है? बिकी हो पत्रकार, योगी मोदी सरकार तो बिकी हो, मीडिया में भेज मोदी योगी खरीद लिया है, प्रशासन के सामने तुम बिका हुआ, प्रशासन लोग गुंडागर्दी करते हैं, देखे नहीं, इसलिए मोदी योगी भेजते हैं, सब मीडिया वाले सब बिके गाली नहीं दीजिए चाचा। ये नोएडा वाले पत्रकारों की कमाई है, जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनको भी चाचा बोल के चले जा रहे हैं, सोचिए। हाँ तो हम चुनाव की बात कर रहे थे चाचा, बताइए आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र का मुद्दा वही है जो जीत के आता है एक बार भी ये एरिया में कभी दिखाई नहीं देता है। हमारे क्षेत्र में जीत के कितने बार जीत के आया, नहीं इधर मुंह तक नहीं बताया एरिया में। काहे बार बार वही जीत रहे हैं? 3 बार से जीत चुके, चौथी बार जीत रहे हैं, वही तो अभी पब्लिक जिता रहे तो जीत रहे हैं। तो आप सड़क भी नहीं बनवा रहे, बाकी क्षेत्र का देखिए सड़क कितना अच्छा बना है, हमारे क्षेत्र का कोई भी सड़क अच्छा नहीं है, इधर एरिया का जितना भी सड़क है कोई भी अच्छा नहीं है, ये क्षेत्र का कोई भी सड़क अच्छा नहीं है, और जितना भी अनाज मिलता है गेहूँ चावल बड़े आदमी को मिल जाता है, गरीब आदमी को नहीं मिलता है। ये सही है। जितने भी बड़े आदमी हैं उनको राशन पहले बनता है और गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो राशन में भी भ्रष्टाचार है? हाँ भ्रष्टाचार है ही, उनसे बोलने जाएंगे तो बोलते जाओ जाओ जो करने का कर लो, ऐसा तो बात होता है। हाँ कुर्दार बोलते हैं लोग। आप बताइए भैया मुद्दा क्या है? हम नहीं बोलेंगे, आप कहाँ हैं? नहीं, हम तो बोलेंगे इधर, अभी हम बोलेंगे आपको भी बुरा लगेगा ना? हमको कहाँ है बुरा लगेगा भैया, बोलेंगे आप हमको क्यों बुरा लगेगा? देना तो जनता को, सभी को दीजिए ना, नहीं तो सारा योगी मोदी क्या है? कुछ नहीं है योगी मोदी, कुछ नहीं है। हाँ तो कौन है? जनता से बढ़ के योगी मोदी कोई नहीं है। ये बात तो सही है, जनता से बढ़ के नहीं है कोई। हाँ। जनता दे रही तभी लोग खा रहा है लोग। हाँ। नहीं देगा तो कोई नहीं खाएगा, ठीक है? जनता है तो वो लोग भी है, नहीं है तो कोई नहीं है। हाँ। क्या आपसे तो हम क्यों नाराज हो जाएंगे? क्यों नहीं? हाँ। अभी आप आपने ये तो आपको जो आप ये कर रहे हैं ना, ये पता उन लोगों के पास भी जा रहा है, ये पता उन लोगों के पास जाता है, भाई जनता है, जनता के ऊपर सब है, जनता के। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या काम कर रहा है साला? चोर है खुदे। वो क्या करेगा? वो क्या चोर है? क्यों नहीं? हमारा घर यहाँ नहीं है। हाँ। बोले। हमारा घर है बरहलगंज। हाँ। हम यहाँ पे आए हैं गाड़ी लेकर, बाकी वो भी लोग चोर है लोग। हाँ। चोर इसलिए है लोग, जनता के ऊपर वो लोग नीचे है लोग, जनता के नीचे है लोग, जनता के ऊपर नहीं है लोग, बाकी आप चलो भैया हो गए बहुत काम तो सही है, लेकिन वो गुंडे लोगों को मार के गुंडी पैदा कर दिया, यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैं इतना बुरा फंसा हूँ जनता लोग क्या है देखिए कि हद के बाहर है, नहीं यकीन है गुंडा मार के गुंडा पैदा कर रहे हैं, गुंडिया पैदा हो गई हैं, अभी नहीं यकीन है ना गुंडिया। हाँ गुंडा कौन है? तो मर गए। हाँ इनके राज में किधर इशारा कर रहे हैं? बताइए आप क्या राज किया है? आपको यकीन है हमें बोला हूँ ना गो, हम चल के पूछिए हमारे विषय में कि मैं कैसा हूँ, लेकिन ना आज गुंडिया लोग ऐसा बने हैं कि हमसे बोले 30,000 महीने का दो, कहाँ से मीडिया लोग भेज दे रहे हैं, मीडिया लोग भेज दे रहे हैं कि जाइए जाइए वहाँ पे जाइए, मीडिया नहीं होता है उसको संभालिए ना, जनता को संभालिए, वो लोग क्या है लोग काम खाने के लिए। अच्छा ये गुंडी नहीं कौन पैदा हुआ ये बताइए? गुंडी ना ब्रह्मपुर है ना गोरखपुर जिला, हमारा हमारा ससुराल है। हाँ। अभी मैं जाता हूँ 7 साल का दिन हो गया, जब भी जाता हूँ हमको ये होता है मार देंगे पीट देंगे ये कर देंगे, हमको तुमको नहीं मालूम है योगी जब तक हमारा ये है हमारे ऊपर बोल रहे हैं 30,000 महीने का दो तो ठीक है जाएगी नहीं, अब बताओ गुंडिये है ना लोग वहाँ जाओ तो मारने को लोग तैयार होते हैं, इसलिए जाना ही छोड़ दिया। मुद्दा क्या है भैया? बांस गांव का मुद्दा क्या है? कमलेश पासवान गोरखपुर जिला नया चेहरा, नया चेहरा बदलाव होगा इस बार, बदलाव तो चाहिए। आपको क्या लगता है भैया बदलाव होगा या फिर से वही आएंगे? भागे क्यों? क्यों बढ़िया नहीं लग रहे क्या आपको अपने? नहीं हमारे बेल्ट में कभी नहीं आते हैं। अच्छा ना हो तो यहाँ से आप जाके देख लीजिए हमारे गाँव क्षेत्र में आप लोग वोट दे के नहीं जिताते हैं क्या? बराबर तो पूरी बहुमत से जीत रहे हैं, आप कौन सा वोट घर भी डाल दे क्या उनको?
पूरी बहुमत डाल रहे हैं। दिक्कत हो रहा है मतलब है? क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको उनसे? क्या उनके कार्यकाल में काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, जीरो है। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, बाबा बदलाव होगा कि वही आएंगे? चाचा बदलाव होगा कि वही आएंगे? जल्दी बता, कुछ नहीं बदलाव होगा। ये रास्ता जब क्लियर है, ईवीएम जब हटेगा तब था चल जाएगा, किसी भी सरकार का, चाहे कोई भी सरकार। रोड है गोरखपुर का, चाचा ये ईवीएम का खेला हो जाता है? हाँ, ईवीएम का खेला होता है, बराबर ईवीएम का खेला हो रहा है। जहाँ विपक्ष जीत जाती है उधर, अरे विपक्ष जीतती है छोड़ दिया जाता है कि चलो तुम्हारे लिए इतना छोड़ देते हैं, बाकी अपना अपना सेट कर लेते हैं, और क्या उनका काम? यही काम है, बतलाइए। दो महीने से धरना प्रदर्शन हो रहा है, वकील लोग कह रहे हैं, जनता कर रही है, क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? धरना हो रहा है, होता नहीं है वहाँ, क्या नाम है, दिल्ली में, दिल्ली जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर पर आपको भी मालूम होगा, कम से कम दो महीने हो गए धरना प्रदर्शन, और वकील लोग भी इस पर बहुत बोल चुके कि ईवीएम हटना चाहिए, क्यों नहीं ईवीएम हट रहा है? जनता भी मांग कर रही है कि ईवीएम हटना चाहिए, क्यों नहीं ईवीएम हट रहा है? तो ये मोदी मैजिक नहीं, ईवीएम मैजिक है। हाँ, आप यही कहना चाह रहे हैं, मोदी योगी मैजिक नहीं, ईवीएम मैजिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कमलेश जी, क्या सरकार, क्यों सरकार डर रही है ईवीएम हटाने से? हाँ, क्यों डर रही है? महंगा हो जाएगा चाचा चुनाव, ईवीएम में थोड़ा पहले नहीं होता था? नहीं, इसके पहले भी तो होता था, यही रास्ता गोरखपुर में ना, वहाँ कचड़ी मार रहे हैं। आप बताइए बदलाव होगा कि वही आएंगे दोबारा? वही आएंगे। आप बताइए भैया, बदलाव होगा वही आएंगे? जल्दी बोलो भाई, योगी योगी कमलेश जी की बात कर रही हूँ, योगी मोदी थोड़ी आएंगे यहाँ? कमलेश पासवान नहीं आएंगे, कमलेश पासवान नहीं आएंगे। क्यों भैया? वो कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं, दुख दर्द में नहीं आते हैं। कमलेश को चेंज करना है, कमलेश पासवान को इधर से चेंज करना है, चेंज करना है। बाहरी प्रत्याशी है वो बाहरी प्रत्याशी है, वो नहीं आएगा, उससे अच्छा कमलेश पासवान जी, जो कमलेश पासवान जी है ना, जब 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 जीते हैं तब तब उन लोगों का हम लोग सकल ही नहीं देखे। तो गठबंधन वाले तो किसी को नहीं उतारे, इधर आ, इधर नहीं, सदर प्रसाद आ रहा है, तो बिकी हो काहे चाचा? पत्रकार मीडिया को हम पे क्यों? योगी मोदी सराव तो बिकी हो, ये मीडिया को भेज, मोदी योगी खरीद लिया है, हमारे समाजवादी है, बीएसपी है, कांग्रेस की बात है, जनता हित की बात है, योगी मोदी क्या किया है उससे बात नहीं है, जनता में हित है, जनता में प्रेमी है, और तुम पत्रकार मीडिया की बात करती हो तो अपनी बात को सही में बिकी हो तो बिकी। ये जो नोएडा वाले पत्रकारों ने, चाचा सुनिए सुनिए, आप हमको देखे हैं पहले कभी इधर आए? तुम बिकाऊ हो, तुम बिकाऊ हो, तुम बिकाऊ हो, बिकाऊ हो, प्रशासन के सामने तुम बिकाऊ हो, प्रशासन लोग गुंडागर्दी करते हैं, देखे नहीं? इसलिए मोदी योगी भेजते हैं, मोदी योगी भेजते हैं, मोदी योगी भेजते हैं, तुमको मीडिया वालों भेजते हैं लोग, हमारी बेटी हो, हमारी बेटी जैसे हो, बड़ी बेटी हो। तो चाचा आप हमको देखे नहीं, सुनिए सुनिए हमारी बात, तुम अपना काम करो, जनता पर काम कर, तुम अपना काम, आप हमको नहीं, तुम अपना काम, जनता पर काम कर रही, हम हमको आप देखे कोर्ट, सुनिए चाचा, कोर्ट अपना सोशल कोर्ट जो है, हाई लेवल कोर्ट, भारतीय राष्ट्रसंघ की जो है, संविधान के, भारतीय संविधान, संविधान के अंदर ऐसा कोर्ट नहीं है। अब ये बताइए आप हमको कभी देखे हैं? नहीं देखे नहीं, हमारा काम देखे हैं? मैंने देखा नहीं, योगी मेरा वीडियो देखे हैं? मेरा वीडियो, बिकाई हो तुम, बिकाऊ हो? अरे चाचा गलत ना बोलो यार, देखे कभी, कभी काम देखे हैं? कभी कभी वीडियो देखे हमारा? वीडियो नहीं देखे, आपको कैसे पता? जनता की बात करो ना, जनता कमजोरी देख लो, जनता गरीबी देख लो, बता दीजिए, यहाँ कैमरा है, ये रोड देख ले, आज चुनाव हो रहा था, रोड बनवा रहा है योगी या मोदी? आज चुनाव होता हो, विकास काम है, दलित पास के पास क्या बोलेंगे, पास जो जो परेशानी है क्या उसका योगी देखा? जो परेशानी है सब बोलिए चाचा, क्या परेशानी? हमारे कोई परेशानी नहीं है, हम अपने मेहनत करते हैं, अपने कमाते खाते हैं। देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह पूर्व विधायक वो काम किए हैं, लेकिन हार गए, हमके सपा बसपा और कांग्रेस और बीजेपी सबेरी हमारे समझा, पर सरकार तो सरकार है, लेकिन हम जनता भुखमरी के कगार पे है, सही बात है, कगार पे है बीजेपी, एस पी चाचा, सारे सारे पत्रकार भी गए, सारे सब मीडिया वाले सब।
पी के हैं। गाली नहीं दीजिए चाचा, गाली मत दीजिए, काहे इतना नाराज है। गाली नहीं दिया जाता किसी में, गाली नहीं, गाली मत। चाचा हम आए हैं, सोचिए अगर कौन दिया है, कौन दिया? सरकार दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। ये नोएडा वाले पत्रकारों की कमाई है, जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनको भी चाचा बोल के चले जा रहे हैं, सोचिए। हाँ, ये जो नोएडा वाले पत्रकार हैं, जो अपने आप को बड़े मीडिया घराने वाले कहते हैं, उन लोगों की कमाई की वजह से सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी चाचा मुंह पे बोल के चले जा रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, अभी चाचा बोल के गए हैं कि सरकार पैसा दे रही है, तो ये बताइए किसी भी सोशल मीडिया के पत्रकार को सरकार पैसा देगी? किरकिरी तो हम ही दिखाते हैं, हम ही दिखाते हैं कि कितना सरकार काम कर रही है, कितना नहीं। और रही बात विपक्षी, तो वो तो खुद ही इस काबिल नहीं है कि जनता को खरीदे। पत्रकार बिके हैं क्या भैया? पत्रकार नहीं बिके हैं, खुद हमारे पॉलिटिशियन जो है वो अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया उधर जाइए ना। राय साहब इनसे बात करिए, काम कुछ भी नहीं किए हैं। इस रोड पे देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ। यूट्यूब पर देखता हूँ, बढ़िया आपका काम है, मैं देखा हूँ। राय साहब आप लोगों का काम बहुत परफेक्ट है। आप क्या नाम है? हाँ, खूब अच्छी तरह बढ़िया आपका है। बाकी लोग से बात करिए, मैं दुकान ये प्रॉब्लम इनसे नहीं है, प्रॉब्लम उससे है। क्या भैया? जो तीन बार लगातार विधायक और सांसद हो जाते हैं, उनको अनुसूचित सीट से टिकट न दिया जाए, उनको सामान सीट से टिकट दिया जाए, ठीक है? उनको सामान टिकट से सीट देकर उनको दिखाएं, तब वो जीत के दिखाएं। सीट से टिकट न दिया जाए किसी को, चाहे तीन बार लगातार विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको अनुसूचित सीट से न टिकट दिया जाए, ठीक है?